बम मार दिया था सर। है? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सर। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता, फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपए। हाँ, तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा था। अच्छा। हमको समझाएं, हम क्या, हमको क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे लड़के जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली, उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे। हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ। तो हम लोग ना उनको जब स्टेशन छोड़ने आए थे, बड़ा भारी मन से हम लोगों ने विदा किया कि इन लोग के गार्जियन कितने पैसे वाले, इन्हें भेज दिए वहां, हम लोग के नहीं भेज सकते थे। तो ऐसे लाखों स्टूडेंट है जिनके गार्जियन नहीं भेज सकते, इनका मतलब गरीब होना कोई अपराध नहीं है, उसे कोई पढ़ाई से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो हमने ठान लिया था कि कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको हम जरूर कम करेंगे। तो इस साल हमको मौका मिला तो वो जो टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। और सेम बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं, वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपका क्या बात। और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बात, कुछ खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा। मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है, ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूं ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड है उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से हैंसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। yes, पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे, ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है, बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा वहां पे, कर देंगे हम। खान सर, हमने सुना है आप 5-स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेडी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहां जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि
मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं, लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका, जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। शुरू शुरू में हमको लगता था जब इसमें कि अरे ये हमारे पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता। हाँ। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है। हाँ। एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। हाय, वाओ, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते विवेक जी, नमस्ते खान सर, अच्छा लग रहा है, वाओ, आप लोगों से मिलकर ना, आप हम मर सकते हैं। मरो फिर, ये नहीं, कैसी नहीं। बातें कर रही हो गुड़िया तुम? हम कह रहे हैं हम इंड पे मर सकते हैं। खान सर, आप पटना से हैं ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। हाँ। बस कोई पटाने वाला चाहिए।